भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी की सबसे किफायती कार ऑल्टो के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल यानी ऑल्टो न्यू ऑल्टो फेसलिफ्ट 2023 को मार्केट के लिए लॉन्च किया जाना है। इंतजार फाइनली इस कार का खत्म हो चुका है। अब खबरें निकल के आ रही है कि मारुति की ऑल्टो नेक्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट मॉडल को 18 मई तक इंडिया मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। बीते लंबे समय से इंडिया में इस कार का इंतजार चलता आ रहा है। बीते लंबे समय से इसकी टेस्टिंग भी भारत में जोरों जोरों से देखी जा चुकी थी और हाल ही में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के फेसलिफ्ट मॉडल को टेस्टिंग के दौरान भी भारत में देखा गया था। आने वाली ऑल्टो 2023 मॉडल अपने ऑल्टो 2022 मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा एक्सटीरियर स्पेसिफिकेशंस और इंटीरियर्स के मामले में पूरी तरीके से चेंज नजर आने वाली है, यानी इस कार को माइक्रो एसयूवी अंदाज के साथ लाया जाएगा। तो अगर आप भी इस महंगाई के दौर में 2023 में 3 से 4 लाख रुपए में कोई कार को तलाश रहे हैं तो मेरे ख्याल से नई नवेली ऑल्टो की तरफ आपको एक नजर जरूर से डालनी चाहिए। आखिरकार ऑल्टो अपने हैचबैक डिजाइन के साथ कंटिन्यू नहीं बल्कि एक माइक्रो एसयूवी अंदाज के साथ आने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात कर ली जाए भारत में 2023 18 मई को लॉन्च होने वाली ऑल्टो के इंजन तथा पावर के बारे में। तो जी हां, सुर्खियों में बनी हुई ऑल्टो को टेस्टिंग के मामलों में पूरे 5 की रेटिंग के साथ साझा किया गया है। भारत के अलावा इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे मार्केट में इस कार के नए मॉडल को नए रूप में दिखाया गया है, जिसके दौरान आप इस वीडियो में अपनी नए नवेली ऑल्टो के कॉन्सेप्ट मॉडल को देख पा रहे हैं। ऑल्टो के साथ ही डिजाइन के और लुक के चलते इस कार को भारत में और भी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आखिरकार ऑल्टो अपने माइक्रो एसयूवी अंदाज में जो नजर आ रही है, भारतीय बाजार में आने वाली ऑल्टो का लुक नहीं बल्कि इस कार में इंजन भी आपको बिल्कुल नया देखने को मिलने वाला है। स्मार्ट जमाने के साथ स्मार्ट लुक और स्मार्ट वैल्यू कार हर कोई चाहता है और साथ ही साथ ऑल्टो अपने बजट सेगमेंट की किंग कहलाने वाली लो मेंटेनेंस के साथ बेहतरीन माइलेज देने वाली कार भारत में कहलाई जाती है। ऑल्टो के इंजन तथा पावर की बात कर ली जाए तो देख सकते हैं आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो में आपको 1.2 लीटर का पहली बार 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ K12B इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। ये कोई मामूली इंजन ऑप्शन नहीं है। भारत की सड़कों में ऑल्टो अब जबरदस्त 82 PSP की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 109 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगी। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो में 28 से लेकर 31 के आसपास माइलेज भी बताया जा रहा है ना कमाल की बात। यानी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो अपने सेगमेंट में काफी खासा माइलेज आपको देने वाली है। माइलेज के मामले में ऑल्टो सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार कहलाई जाती है। यहाँ तो कर ले हमने भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2023 ऑल्टो फेसलिफ्ट के इंजन और पावर की बात। अब बात करें कार के लुक तथा डिजाइन के बारे में। आखिरकार ये कार भारत में एक बार फिर से धमाका के साथ अपनी जबरदस्त वैल्यू बनाने आ चुकी है। मार्केट में ऑल्टो आज भी रीसेल हो या फिर नए मॉडल के साथ बेची और खरीदी जाती है। इस कार को सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र और पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। छोटे पैकेज में बड़ा धमाका कहलाई जाती है, मगर आप ऑल्टो को देखने के बाद आप हक्के बक्के होने वाले हैं। वीडियो में साफ साफ देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो अपने पुराने लुक के चलते अब एक माइक्रो एसयूवी अंदाज में नजर आ रही है। अब इस कार का लुक ही इस कार को पूरी तरीके से भारत में अलग बना रहा है। साथ ही साथ साइज के मामले में भी ऑल्टो अपने पुराने मॉडल से बड़ी और ऊंची नजर आ रही है। देखा जाए तो फ्रंट में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का एक खूबसूरत सेटअप आपको दोनों साइड देखने को ऑल्टो में मिल जा रहा है। डे टाइम रनिंग लाइट्स की प्रणाली के साथ फॉग लैम्प के डिजाइन को देखने के बाद आपकी ऑल्टो और भी ज्यादा एग्रेसिव बाहर से नजर आ रही है। न्यू 89 अपडेट ग्रिल का इस्तेमाल मारुति सुजुकी ने ऑल्टो में भी किया है, जो कि आपको ग्रैंड विटारा जैसे जबरदस्त बड़ी कार में देखने को मिलता है। बीच में मिल जाता है आपको नया नवेला सुजुकी का चमचमाता हुआ लोगो, जो कि इस कार की शान को फ्रंट से बढ़ाता है। ऑल्टो के ओवरऑल लुक से देखा जाए तो ये एग्रेसिव के साथ ही साथ एक स्पोर्टी डिजाइन वाले नए लुक के चलते बम्पर के साथ भी आ रही है। और साथ ही साथ देखा जाए तो साइड प्रोफाइल से ऑल्टो में आपको न्यू हैंडल बार देखने को मिलते हैं। दोनों साइड एक्शन कैमरे की प्रणाली जो कि ऑल्टो को अपने सेगमेंट में खास बनाती है। इतना ही नहीं, अब ऑल्टो में आपको 15 इंच के अपडेट टायर कंपनी फिटेड अलॉय व्हील ऑप्शन के साथ सभी वेरिएंट में मिलने वाले हैं, यानी अलॉय व्हील बाहर से लगवाने की छुट्टी। साथ ही साथ ऑल्टो अपने लुक के चलते काफी ज्यादा नए कलर कॉम्बिनेशन और डुअल टोन थीम पे आधारित होती हुई भारत में नजर आ रही है ना कमाल की बात। नेक्स्ट जनरेशन 2023 ऑल्टो फेसलिफ्ट को जितना बाहर से खूबसूरत बनाया गया है, उतना ही कंपनी ने इस कार के इंटीरियर फीचर्स में फीचर्स की भरमार दी है। 2023 नए मॉडर्न जमाने के तहत नए स्मार्ट लोगों के लिए ऑल्टो भी अब स्मार्ट पूरी तरीके से हो चुकी है। इस कार में आपको
फर्स्ट क्लास फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि बजट सेगमेंट की कार में आपको मिल जाते हैं। भारत में आजकल ये फीचर 5 से 6 लाख रुपए सेगमेंट वाली कारों में मिलते हैं, जहाँ पे टाटा पंच से लेकर रेनॉल्ट्स की काइगर जैसी बेहतरीन और निसान की मैग्नाइट कार मौजूद है। इन्हें सभी को पीछे रखते हुए ऑल्टो अपने सेगमेंट में इतने खास फीचर लिस्ट के साथ आ रही है। देखा जाए तो ऑल्टो के डैशबोर्ड पर जबरदस्त डिजाइन दिया गया है, जिसमें ब्लैक तथा सिल्वर कॉम्बिनेशन अपडेट और वुडन का टचअप आपको कई कंपोनेंट्स पार्ट में देखने को मिलता है, जो कि इस कार को आपको बैठने के बाद फील जरूर से करवाने वाला है, जो कि प्रीमियम कार भी कहलाई जाती है। ऑल्टो अपने सेगमेंट में दोनों साइड नए डिजाइन और बिल्कुल यूनिक अंदाज के ऑटोमेटिक एसी वेंट्स के साथ आ चुकी है, जिसमें आपको 2.0 पे आधारित प्योरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। पुराने मॉडल के कंपैरिजन में नेक्स्ट जनरेशन 2023 ऑल्टो में आपको 9 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑप्शन देखने को मिलता है। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की खास बात कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, UVI कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, यानी वॉइस कमांड से ऑल्टो के फंक्शंस को एक्सेस करने का मजा और भी ज्यादा इस कार में एक्सपीरियंस के आपको बढ़ाता है। साथ ही साथ ऑल्टो में आपको वायरलेस चार्जिंग, स्मार्ट चार्जिंग, डीप प्लगिंग ऑप्शन, हारमन्स के 3 साउंड स्पीकर ऑप्शन, म्यूजिक सुनने वालों के लिए ऑल्टो में धमाका मचाने वाले हैं। अब बात करें इस कार के कंफर्ट और स्पेस के बारे में, तो ऑल्टो में 5 लोग तो अब तक आसानी से बैठ के सफर कर सकते हैं, मगर आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2023 ऑल्टो के बूट स्पेस को देखा जाए तो कितने बड़े लेग रूम के साथ ऑल्टो पहली बार भारत में नजर आ रही है, यानी इस कार में फुल सीट्स का सेक्शन आपको देखने को मिलता है। इन सीटों की खास बात तो यही है कि आप एक ही बटन दबा के अपनी सीटों को दाएं बाएं एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने हिसाब से सीटों को 14 तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ कंफर्ट हो, लॉन्ग ड्राइव हो या फिर हर चीज के मामले में ऑल्टो उबर खाबर रस्तों से लेकर ऑफ रोडिंग के दीवानों तक के लिए एक जबरदस्त स्टेबल राइड के साथ बेहतरीन आपको कंफर्ट इस कार में मिलने वाला है। सेफ्टी फीचर्स की बात आती है तो मारुति सुजुकी का नाम सबसे नीचे आता है, क्योंकि कंपनियों की कारों के मुकाबले मारुति सुजुकी अपनी बिल्ड क्वालिटी को लाइक रखती है, जिसके कारण आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस और इतने बढ़ते पेट्रोल के दाम को देखते हुए एक जबरदस्त माइलेज आपकी कार निकाल पाती है। मगर इसी का तोड़ निकालते हुए 2023 में नई टेक्नोलॉजी से अपने इंजन को रूबरू करवाते हुए मारुति सुजुकी ने अपने इनलाइन 3 सेटअप का इस्तेमाल ऑल्टो में भी किया। बात कर ली जाए लॉन्चिंग तथा कीमत के बारे में, तो मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को 18 मई तक लॉन्च करने की उम्मीदें जताई जा रही है। इस कार की प्री बुकिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आपने अपनी नई नवेली ऑल्टो को अभी तक बुक नहीं किया है तो आप अपने नजदीकी शोरूम या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके कार की जानकारी लेकर आज ही अपनी कार को बुक कर सकते हैं। कीमत के मामले में नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो की स्टार्टिंग बेस वेरिएंट की कीमत 3.90 लाख रुपीस एक्सशोरूम प्राइस लगाई जा रही है। कुछ तगड़े फीचर्स देखने को मिलने वाले नए नवेली 2023 फेसलिफ्ट ऑल्टो के लिए बन जाता है एक खूबसूरत सा लाइक, तो बिना लाइक करे बिल्कुल मचाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों के अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।